मारवाड़ शिक्षण संस्थान अढ़ाई की बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से अपन बायोलॉजी की 12th क्लास की शुरू करते हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि अपने बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक बॉटनी और एक जूलॉजी, दो मेजर पार्ट है अपने। और बॉटनी में भी 5 यूनिट्स हैं और जूलॉजी की भी 5 यूनिट्स हैं। टोटल अपने बायोलॉजी में 42 चैप्टर्स हैं। आज अपन थोड़े सिलेबस को लेकर और कुछ पीछे जो हमने 11th में पढ़ा था उनसे लेकर अपन फर्स्ट यूनिट की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं सिलेबस के बारे में बात करता हूँ। तो सिलेबस में अपन टोटल 10 यूनिट्स हैं, उसमें फर्स्ट जो रहती है अपनी दो डिवाइडेड है। बॉटनी की बात करूँ यानी मैं वनस्पति विज्ञान की, तो वनस्पति विज्ञान में 5 यूनिट है। पहली यूनिट है आवर्त बीजी, पादपों में जनन व विकास। सेकंड जो यूनिट है अपनी उसमें है पादप कार्य की फर्स्ट। थर्ड जो यूनिट रहेगी वो आपकी पादप कार्य की सेकंड रहेगी। फोर्थ जो यूनिट रहेगी वो जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी से रहेगी। और फिफ्थ जो यूनिट रहेगी वो रहेगी आर्थिक महत्व की वनस्पति को लेकर और मानव स्वास्थ्य के बारे में बात होगी। ये टोटल 5 यूनिट्स हैं जो वनस्पति विज्ञान से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार अपने जूलॉजी में भी रहेगी फर्स्ट। अगर जूलॉजी की बात करूं तो जूलॉजी में भी पांच यूनिट्स जो है, फर्स्ट जो है मानव कार्य की फर्स्ट है, सेकंड जो यूनिट है वो है मानव कार्य की सेकंड, थर्ड की बात करूं तो भौणिकी को लेकर है, एम्ब्रियोलॉजी को लेकर, और फोर्थ की बात करूं और चौथी की अगर बात करूं तो वो है आनुवांशिकी यानी जेनेटिक, और दूसरा जीनोमिक। और फिफ्थ जो है मानव कल्याण रहेगा, जिसमें अपन पीसी कल्चर, एपिकल्चर, इन सब की बात करेंगे। मानव कल्याण में जो विज्ञान है उसकी बात होगी। तो ये 5 यूनिट अपनी जूलॉजी में है, और वो 5 यूनिट जो हमने पहले पढ़ी थी वो 5 यूनिट आपकी बॉटनी में है। इसके अलावा आप सबको ये भी पता है कि अपना जो बायोलॉजी का जो पेपर होता है बोर्ड में वो 56 नंबर का होता है, उसमें ये सारी यूनिट्स आपके सम्मिलित है। इसके अलावा 40 नंबर होते हैं जो स्कूल के बेस पर होते हैं, और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है जो आपको अलग से प्रैक्टिकल की क्लास के अंदर बात की जाएगी। आज अपन जो बात कर रहे हैं वो यूनिट संख्या बॉटनी की फर्स्ट जो है आवर्त बीजी पादपों में जनन व विकास, जो हमने फर्स्ट यूनिट अभी लिखी थी बॉटनी में उसकी बात है। ये टोटल यूनिट आपकी 56 का जो पेपर होता है उसमें 4 नंबर की है, उसमें 5 चैप्टर है। मैं आज फर्स्ट अध्याय की बात करूंगा यहाँ पर, और अपने बायोलॉजी का फर्स्ट जो अध्याय है उसका नाम है
आवर्त बीजी पादपों में जनन, और जनन की अगर बात करूं तो वो भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूंगा, अलैंगिक जनन। ये अपना फर्स्ट यूनिट है। अब बात मैं शुरू करता हूं यूनिट संख्या फर्स्ट के अंदर। इससे थोड़ा पहले मैं वापस आपको इलेवंथ की ओर लेके जाता हूं, और इलेवंथ में आपको याद हो तो अपने फर्स्ट यूनिट पढ़ा था जिसमें यह था कि जो प्राचीन बायोलॉजी का इतिहास था, जिसमें महर्षि चरक, सुश्रुत, वेदव्यास, इन सब की जीवनियों को पढ़ते हुए हमने पंचानंद महेश्वरी और वैज्ञानिक इतिहास की ओर चले थे, उसके बाद में आपको याद होगा कि जीव विज्ञान जो वर्ड है या जीव विज्ञान जो शाखा है विज्ञान की, उसको आर एच वी टेकर ने, इससे अलावा भी कई वैज्ञानिकों ने डिफाइंड किया था, लेकिन आर एच वी टेकर ने जो पंच जगत का फाइव किंगडम थ्योरी दी थी, उसके आधार पर हमारी सारी जीव विज्ञान विस्तृत है। और उसकी मैं थोड़ी सी बात आपको वापस करते हुए, ये आवर्त बीजी कहाँ से आया है और क्या चीज़ है, इनकी बात करूँगा और फिर अपने चैप्टर की शुरुआत करूँगा। तो याद होगा आर एच वी टेकर ने जितना भी जीव क्षेत्र है, जीव उसे कहते हैं जिसमें जीवन यापन करने का गुण होता है, जिसमें श्वसन, पाचन, ये सारी चीज़ें पाई जाती है, गति, वृद्धि, इन सभी को अपन जीव कहते हैं। और जीव विज्ञान में एक तो पादपों को सम्मिलित किया गया है और दूसरा जीव जंतुओं को। और जैसा आप सभी जानते हैं कि पादप जो वर्ग है उसको वनस्पति विज्ञान की श्रेणी में रख दिया गया है, और जो जीव वर्ग है उसको जीव जंतु या जीव विज्ञान या प्राणी विज्ञान की श्रेणी यानी जूलॉजी के अंतर्गत रख दिया गया है। अपन बात इस चैप्टर में जो कर रहे हैं वो प्लांट से रिलेटेड कर रहे हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये टोटल जो जीव विज्ञान वर्ड है इसको कितने भागों में और किसने सबसे पहले डिफाइंड किया था। तो देखो, पंच जगत की थ्योरी जो दी थी वो आर एच वी टेकर ने दी थी, और आर एच वी टेकर ने कौन से पांच जगत बताए थे, फाइव किंगडम, उनकी बात करता हूं। तो देखो, आर एच वी टेकर ने फाइव किंगडम दिए थे, फर्स्ट की बात करूं तो मोनेरा, सेकंड की बात करूं प्रोटिस्टा, थर्ड की बात करूं तो फंजाई, या फिर मैं इसको कह सकता हूं कवक, फंगस, और फोर्थ की बात करूं तो प्लांटी यानी प्लांट किंगडम, और फाइव की बात करूं तो जंतु जगत। ये पांच जगतों की बात की थी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और जंतु जगत। आपको याद होगा इलेवंथ में जो हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था वो मोनेरा से और प्रोटिस्टा से रिलेटेड था, जिसमें आपको सब कुछ बातें हमने की थी इलेवंथ में। उसके बाद में थर्ड जो चैप्टर पढ़ा था वो वायरस से रिलेटेड था, और वायरस इनको भी डिवाइडेशन करने का हमने इलेवंथ में बहुत डिटेल से पढ़ा है। लेकिन फिर बता दूं आपको, ये जो किए गए थे जितने भी जीव है उनमें कोशिकाएं पाई जाती है, और कोशिका आप सबको पता है कि दो प्रकार की है, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है और एक यूकैरियोटिक सेल्स होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के आधार पर मोनेरा को डिवाइडेशन किया गया था, और उसके बाद में ये जो प्रोटिस्टा है इसमें भी प्रोकैरियोटिक जो है वो सेल भी हो सकती है या यूकैरियोटिक सेल भी होती है। इसमें कुछ डिटेल और भी है लेकिन हम इतने डिटेल में ट्वेल्थ में इलेवंथ में पढ़ चुके हैं। फिर बात करूं फंजाई की, तो ये सारे यूकैरियोटिक थे केवल एक ईस्ट को छोड़कर। इसकी बात करूं तो ये भी सारे यूकैरियोटिक सेल में थे और ये भी एक यूकैरियोटिक सेल में थे। हमने बहुत डिटेल से इसको क्लासिफिकेशन वो पढ़ा था, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये यूनिट फर्स्ट कहां से शुरुआत कर रहे हैं अपन। मोनेरा, प्रोटिस्टा ये दोनों हमने पढ़ लिए थे, फंजाई जो इसमें कवकों की श्रेणी पढ़ी थी जो यूनिट संख्या अपनी चार थी, फिर हमने यूनिट संख्या पाँच में प्लांटी को लिया था, और प्लांटी को आपको याद होगा कि तीन वर्गीकरणों के आधार पर पादप जगत अध्याय संख्या पाँच इलेवंथ में हमने पढ़ी थी, उसकी थोड़ी सी बात करते हुए मैं आवर्त बीजी कहाँ से आया है उसकी बात लेकर आऊँगा। पादप जगत में
आपको याद होगा कि तीन प्रकार के वर्गीकरण किए गए थे, एक कृत्रिम वर्गीकरण था, एक प्राकृतिक नेचुरल था और एक जातिवर्तीय। और आप सभी को पता होगा कि हमने 11th में जो पढ़ा था वो जातिवर्तीय एगलर और प्रेंटेल के द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया था उसके बारे में बात की थी। बेंथम और हुकर ने और कोरोलस लीनियस ने कृत्रिम दिया था। आज अपन जो बात कर रहे हैं वो जातिवर्तीय के आधार पर अध्याय संख्या 5 11th में हमने ये पढ़ा था कि ये पांच भागों में बांटा गया था। पांच भाग कौन कौन से थे पादप जगत के, उनकी भी बात कर लेता हूं मैं। सबसे पहला था आपका सेवाल, एल्गी की बात की थी, पहला पादप की श्रेणी जो थी। दूसरा था आपका ब्रायोफाइटा। तीसरा था टेरिडोफाइटा। अगला था जिम्नो स्पर्म और अगला था आपका एंजियोस्पर्म। देखिए जिम्नोस्पर्म को अपन अनावर्त बीजी भी कहते हैं। और इसको कहते हैं आवर्त बीजी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपन किसकी बात कर रहे थे अध्याय संख्या फर्स्ट में, हम बात कर रहे हैं आवर्त बीजी को लेकर। लेकिन उससे पहले मैं इनके बारे में भी थोड़ी सी वापस ले चलता हूं। सेवाल याद होगा आपको, काई जिसे कहते हैं, हमने कई बार ज्यादा जल इकट्ठा होने पर हमने देखा होगा कि हरे हरे सेवाल अपने को देखना, जो जिनकी सतहें जो होती है वो चिकने प्रकार की होती है। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना, और पादपों की एक विशेषता भी होती है कि वो अपना भोजन स्वयं बना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ब्रायोफाइटा की अगर बात करूँ तो ब्रायोफाइटा को भी आपको पता होगा कि हमने दो भागों में बांटा गया था। हालांकि इनको डिवाइडेशन जो था वो हमने किया था पादप की जो स्ट्रक्चर है, या फिर मैं कह दूँ पादप शारीरिकी के आधार पर। सेवाल जो थे, सेवाल में हमने पढ़ा था कि इसमें ना तो जड़ होती है, स्पष्ट विभेद नहीं किया जा सकता, होती है जड़ तना और पर्ण, इन तीनों के बारे में विभेद नहीं किया जा सकता, इनको अलग नहीं दर्शाया जा सकता। ब्रायोफाइटा की बात करूं तो इसमें जड़ अनुपस्थित होती है, इसके अलावा पर्ण और स्तंभ दोनों में आसानी से विभेद किया जा सकता है। अब जड़ में भी जड़ के स्थान पर मूलाभास पाए जाते हैं, यानी मूल की तरह आभास या लगने वाले जो होते हैं उन्हें अपन मूलाभास कहते हैं, मूलाभास पाए जाते हैं। और इन मूलाभास की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ब्रायोफाइटा को दो भागों में बांटा गया है, एक तो लीवरवर्ट और दूसरा मोस। ये हम सब 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आगे की बात को लेकर आता हूँ। टेरिटोफाइट यानी पुष्पधारी पादप, यानी मैं कह सकता हूँ सजावटी पुष्प, इनमें नहीं पाए जाते, अनुपस्थित होते हैं। इसके अलावा जड़ तना और पर्ण, इन तीनों चीज़ों में आसानी से विभेद किया जा सकता है। केवल सजावटी पादपों का ये समूह है। इसके अलावा बात करूँ जिम्नोस्पर्म अनावर्त बीजी, नाम से ही पता चल जाता है अन, अन का मतलब बिना आवरण वाले पादप, यानी बीजों के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता। हम जनरली जो बीज देखते हैं वो फल के अंदर पाए जाते हैं, और जो फल के अंदर बीज पाए जाते हैं उन्हें अपन आवर्त बीजी पादपों की श्रेणी में रखते हैं। और आज जो अपना अध्याय फर्स्ट है उसमें आवर्त बीजी पादपों की बात करेंगे। और आवर्त बीजी पादप वह पादप होते हैं जिनके बीज के ऊपर फल का आवरण पाया जाता है, अर्थात फल के अंदर पाए जाने वाले जो बीज युक्त पादप है उन्हें अपन आवर्त बीजी पादपों की श्रेणी में रखते हैं। आवर्त बीजी पादप में जो अगर शरीर की बात करूं तो उसमें स्पष्ट जड़ पाई जाती है, तना भी स्पष्ट होता है, पर्ण भी होती है, और इसके साथ साथ फ्लोवर भी पाया जाता है, यानी पुष्प भी होती है। अब मैं बात करता हूं आपके साथ अध्याय संख्या फर्स्ट की, जो अपना यूनिट है
आवर्त बीजी पादपों में अलैंगिक कायिक व लैंगिक जनन। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सेक्सुअल असेक्सुअल और वेगेटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। आवर्त बीजी मैंने अभी आपके साथ क्लियर किया था कि ऐसे पादप जिनके बीजों के ऊपर आवरण पाया जाता है अर्थात फल होता है वो कहलाते हैं आवर्त बीजी पादप। अब देखो जनन की जहाँ तक बात आती है जनरली जनन दो प्रकार का होता है। रिप्रोडक्शन की बात करूँ जनन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट की बात करूँ तो लैंगिक जनन होता है जो वहद जीव और वहद पादप जगतों में पाया जाता है और दूसरा जो होता है वो होता है अलैंगिक जनन। फर्स्ट लैंगिक जनन और सेकंड जो होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन की बात करूं तो लैंगिक जनन में दो जनकों की आवश्यकताएं होती है यानी दो पेरेंट्स आपस में फर्टिलाइज युग्मकों का करके एक सतति का निर्माण करते हैं। जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है अलैंगिक जनन इसमें केवल एक ही जनक जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है। यह भी हमने 11th की क्लासों में पढ़ा था। अब बात एक और आई है यहाँ पर कायिक जनन। हालांकि कायिक जनन जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है लेकिन अपन इसको थोड़ा यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। बात शुरू करता हूँ मैं आवर्त बीजी पादपों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर। अलैंगिक जनन और ये भी हम बात करेंगे जो करेंगे आवर्त बीजी पादपों में। अब सेवाल ब्रायोफाइटा टेरिटोफाइटा और जिम्नोस्पर्म की बात नहीं करूंगा केवल टू केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करूंगा। अब बात ये भी आती है कि एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उन प्लांट की विशेषताएं क्या होती है। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं हमने याद होगा आपको 11th में पढ़ा था कि बीजाणुद्भिद पीढ़ी क्या होती है, युग्मोद्भिद पीढ़ी क्या होती है, 2X क्या होता है, 2N क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने 11th में पढ़ी थी। तो याद होगा आपको थोड़ा वापस, अगर 11th में नहीं आपको याद आ रहा है तो आप यूनिट संख्या 5 को खोलकर अपनी नोटबुक से देख लें कि जो पादप होते हैं आवर्त बीजी पादप उनका मुख्य जो पादप होता है वो 2N प्रकृति का होता है यानी बीजाणुद्भिद पीढ़ी पाई जाती है। पीढ़ी एकांतरण भी पढ़ा था हमने कि एक पीढ़ी के साथ दूसरी पीढ़ी की अगर बात करें तो वो बीजाणुद्भिद पीढ़ी। पीढ़ी दो प्रकार की होती है, एक तो 2N और एक N प्रकार की, यानी इसको मैं कह सकता हूँ युग्मोद्भिद पीढ़ी। और 2N की बात करूँ तो ये होती है बीजाणुद्भिद पीढ़ी। और पीढ़ी एकांतरण की बात करूँ तो पहले 2N उसके बाद में N और N से पुनः 2N, ऐसा जो क्रम सीक्वेंस जो चलता है उसे अपन पीढ़ी एकांतरण की श्रेणी में लेते हैं। ये चीज़ें हमने पढ़ रखी है लेकिन मैं थोड़ी सी आवर्त बीजी पादपों की विशेषताओं की बात करते हुए उसके बाद में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूंगा। तो आवर्त बीजी प्लांट जो होते हैं उनका जो मेन प्लांट होता है या फिर मुख्य पादप की बात करूं तो मुख्य पादप जो होता है वो को बीजाणुद्भिद होता है। बीजाणुद्भिद होता है यानी मैं कह सकता हूँ 2N या फिर 2X प्रकार का, यानी सभी कोशिकाएं जो होती है वो द्विगुणित होती है। इसके अलावा अगर बात करूं तो आवर्त बीजी पादपों में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है।
तो आप पूछेंगे ये पीढ़ी एकांतरण क्या होता है, मैंने बात अभी बताई आपको कि युग्मोद्भिद पीढ़ी के बाद बीजाणुद्भिद पीढ़ी और बीजाणुद्भिद पीढ़ी के बाद पुनः युग्मोद्भिद पीढ़ी का जो सीक्वेंस चलता है उसे अपन कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो एक बार फिर बात कर देता हूँ। जनरली जो पादप होता है आपने देखा होगा कि ये सबसे पहले सीड होता है, मान लीजिएगा ये इस प्रकार का कोई बीज है और इस बीज में जब अंकुरण होता है, अपन जमीन में जब गाड़ते हैं इसको, तो एक या दो दिन के बाद जब इसका अंकुरण काल पूरा होता है उस समय इस प्रकार के दो फलक होते हैं। आपने देखा होगा जैसे अपन जितनी भी दाल कुल हैं, लेग्यूमिनेसी कुल के पादप है जितने भी, उन सब में अपन देखते हैं कि इस प्रकार के दो फलक होते हैं। जबकि अगर बात करूं मैं ग्रैमिनी कुल के जितने भी पादप है यानी एक बीजपत्री पादप, उन सभी में इस प्रकार का नहीं होता है। बीज जब भी अंकुरण होता है, जैसे हमने बाजरा देखा है, उसमें सीधी एक प्रकार की पर्ण की ऊपर की ओर निकलती है और नीचे की ओर जो मूलांकुर होता है वो छोटी जड़ों के, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में काफ़ी डिटेल से हमने अंतर पढ़ रखा है, इन सभी की बातें होगी। हम बीज अंकुरण की बात कर रहे थे, बीज अंकुरण होता है तो ये दो बीज पत्र कहलाते हैं। इन दो बीज पत्रों के नीचे की ओर एक हल्का गुद्देनुमा भाग निकलता है जिसे हम मूलांकुर नाम देते हैं। मूलांकुर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मूल प्लस अंकुर मिलकर जो मूल का निर्माण करे या मूल के निर्माण की संरचना बनाए उसे अपन कहते हैं मूलांकुर। और ऊपर की ओर जो निर्मित होता है ये भाग, ये होता है प्रांकुर। और इस प्रांकुर का ही वहद भाग होता है प्राहु। अब बात करूं, देखो प्राहो से ही क्या बनता है, तना बनता है और तने के ऊपर लगती है शाखाएं और शाखा से बनती है, शाखा के ऊपर भी आती है पर्ण और शाखा का ही एक भाग होता है जो अनुप्रस्थ और अनुदेहद्रीय रूप में दोनों रूप में एक पुष्प का भी निर्माण करता है। अनुकूल स्थिति में पुष्प बनाता है और प्रतिकूल स्थिति में जो होता है वो एक अपस्थानी कलिका का निर्माण कर सकता है जिसमें प्रतान कांटा ये इन सभी प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ये बातें थी आपके जो बीज अंकुरण के समय की बात थी। तो ये जो बीज पत्र जिनमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं इनका मुख्य पादप जो होता है वो 2n प्रकृति का होता है, जिसमें एक बीज पत्र होता है वो n प्रकृति का होता है। आप सभी को पता होगा कि मुख्य जो पादप होता है वो किस प्रकार का होता है, 2n प्रकृति का होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि x कब आता है और 2x कब आता है। मान लीजिएगा ये बीज है, इस बीज में आपका प्रांकुर से प्राहो का निर्माण हुआ, प्राहो के बाद वहद शाखा बनी, इसकी शाखा में पुष्प हुआ, फ्लोवरिंग हुई। फ्लोवरिंग में आपको याद होगा पुष्प भी दो प्रकार के होते हैं। अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो पुष्प का निर्माण होगा, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो उसमें अलैंगिक जनन में अपन अपनी अभी बात करेंगे विधियों की, उन विधियों के द्वारा अलैंगिक जनन होगा। लेकिन अभी मैं केवल आपको ये पीढ़ी एकांतरण की सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, इसलिए ये बता रहा हूँ कि जो पुष्प बना उस पुष्प में दो गैमेट्स होते हैं, एक तो नर और एक मादा, इन दोनों का आपस में फर्टिलाइज, ये भी एक्स प्रोविड होगा। गैमेट फॉर्मेशन की बात करूंगा मैं आपका यूनिट संख्या 2 में, उस समय ये सारी बातें बताऊंगा। एक्स और ये एक्स, ये दोनों आपस में फर्टिलाइज होकर एक 2x प्लांट का निर्माण करेंगे जो एक बीज के रूप में रहेगा और पुनः ये प्लांट सर्वाइव करेगा, जैसे ही मर्दा के संपर्क में आएगा पुनः अंकुरण करके एक नए पादप का निर्माण करेगा। तो इसी प्रकार मैंने बताया मुख्य पादप जो होता है वो बीजाणुद्भिद पीढ़ी का होता है, लेकिन उसमें पीढ़ी एकांतरण पाई जाती है अर्थात अगुणित पीढ़ी भी होती है। फिर बात कर रहे हैं इसमें जनन की, तो जनन अलैंगिक भी होता है और लैंगिक भी होता है, दोनों प्रकार के होते हैं। आपको याद होगा हमने एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा था, एक बीजपत्री पादप यानी मोनोकोट और दूसरा हमने बांटा था द्विबीजपत्री। नाम ही सब कुछ बता रहा है, द्वि यानी दो, बीज, बीज का मतलब बीज पत्र, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री यानी एक बीजपत्र युक्त। बीजपत्र क्या है, ये जब अंकुरण के समय ये दो अगर फलक बनते हैं तो ये द्विबीजपत्री का है, और अगर एक बीजपत्र बनता है जैसे हमने बाजरा में देखा है, बाजरा हुआ, गेहूं हुआ, ज्वार हुई, इन सभी में हम देखते हैं कि ये एक बीजपत्री है और द्विबीजपत्री में क्या होते हैं, दो फलक बनते हैं पार्श्व भागा में और तीसरा जो फलक होता है वो बीज के भाग से निकलता है और आगे जाकर प्राहो या प्रांकुर का निर्माण करता है। ये बातें थी आपके आवर्त बीजी को लेकर।
अब मैं बात करूंगा आवर्तबीजी पादपों में जो अलैंगिक जनन है उसकी। देखिए अलैंगिक जनन को शुरू करने से पहले दो बात क्लियर कर लेना। फर्स्ट बात यह है कि इस जनन में केवल एक ही जनक यानी पेरेंट्स भाग लेता है, जबकि इसका अपोजिट अगर बात करूं मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो उसमें दो पेरेंट्स या दो जनक भाग लेते हैं। दूसरी, इस जनन में आपसे कोई कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर बताइए। तो इस जनन में अर्धसूत्रण यानी अर्धसूत्री विभाजन व युग्मक गैमेट्स फॉर्मेशन या सलियन नहीं होता है। अर्धसूत्रण का मतलब होता है, अर्ध का मतलब आधा और सूत्रण का मतलब गुणसूत्र, गुणसूत्रों का आधा, और गुणसूत्रों का आधा आपको याद होगा अर्धसूत्री विभाजन जो हमने पढ़ा था उसमें होता है। और जनरली जो लैंगिक जनन होता है उस लैंगिक जनन में क्या होता है भाई, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, जिस दो फॉर्मेशन में होता है आपको याद होगा अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन और अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन। अर्धसूत्री फर्स्ट में भी वो सारी स्टेज है जो आपने अभी 11th में पढ़ी थी। ये दो चीज़ें मस्ट है कि इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है, जनक का मतलब पेरेंट्स, दो जनक की रिक्वायर्ड नहीं होती है, वो केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। और इस प्रकार के जनन में अर्धसूत्रण और युग्मक सलियन नहीं होता है। अब बात करूंगा मैं अलैंगिक जनन की। अब बात कर रहे हैं अपन अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट की बात करूं तो होता है अनिषेक बीजता, इंग्लिश में बात करूं तो एपोमिक्सिस कहा जाता है इसे। दूसरे की बात करूं तो कायिक प्रवर्धन, वेगेटेटिव प्रीप्रोगेशन, कई लोग प्रोपेगेशन भी कहते हैं। ये दो मेजर पार्ट होते हैं। फर्स्ट की बात करूं तो एपोमिक्सिस और दूसरा वेगेटेटिव प्रीप्रोगेशन। अनिषेक बीजता की अगर मैं बात डेफिनेशन अपन इसी वर्ड से लेके आते हैं, अ का मतलब नहीं से है और निषेक का मतलब निषेचन और बीजता का मतलब बीज का निर्माण। देखो हमने पहले भी बात की है कि अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है और उसमें अर्धसूत्रण और युग्मक सलियन का कोई भी बात या फिर कोई भी प्रक्रियाएं नहीं होती हैं, ऐसा जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। हम बात अलैंगिक जनन के प्रकारों की कर रहे हैं, दो प्रकार मेजर होते हैं, अनिषेक बीजता और दूसरे की बात करूँ तो कायिक प्रवर्धन। अनिषेक बीजता को इंग्लिश में एपोमिक्सिस और उसको अपन बात करें तो वेगेटेटिव प्रीप्रोगेशन कहते हैं। बात कर रहे हैं अपन अनिषेक बीजता का, अ का मतलब होता है नहीं से, निषेक यानी निषेचन से संबंधित है और बीजता का मतलब बीज का निर्माण। यानी इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो ऐसा अलैंगिक जनन जिसमें बिना निषेचन ही बीज का निर्माण हो वो क्या कहलाता है, अनिषेक बीजता कहलाता है, बीजता कहलाता है। सेकंड वेगेटेटिव प्रोपेगेशन, देखो वर्ड आया है कायिक
और दूसरा आया है प्रवर्धन। इन दोनों बातों को समझना है। फर्स्ट बात अपन बात कर रहे हैं कि पादप के कायिक भाग कौन कौन से होते हैं, हमने 11th में बात की है, आपको याद होगा, जड़, तना, पर्ण, शाखा, ये इतने जो भी पार्ट है, इससे अलावा परतान, कांटा, पत्र प्रकलिकाएं, ये सारे जो होते हैं वो कायिक भाग होते हैं। जबकि जो पुष्प होता है वो जनन पार्ट होता है। पुष्प की स्ट्रक्चर भी हमने बहुत डिटेल से पढ़ रखी है, आगे अपन फिर बात करेंगे। तो ये बात कर रहा है कायिक की, यानी अपने को केवल इन्हीं बातों पर ध्यान देना। अगर पुष्प की स्ट्रक्चर आती है तो वो केवल केवल अपने लैंगिक जनन की ओर चला जाता है, जबकि अपन इस यूनिट में लैंगिक जनन की बात अभी नहीं कर रहे हैं। अपन केवल इस यूनिट में केवल अलैंगिक जनन की कर रहे हैं, जिसमें दो प्रकार का मुख्य रूप है, पहला अनिषेक बीजता, दूसरा कायिक प्रवर्धन की। अनिषेक बीजता ऐसा जनन है जिसमें बिना निषेचन से ही क्या बन जाए, बीज बन जाए, वो क्या कहलाता है, अनिषेक बीजता कहलाता है। दूसरा वेगेटेटिव प्रोपेगेशन की बात करूँ तो वेगेटेटिव प्रोपेगेशन क्या कहलाता है कि कायिक का मतलब जड़, तना, पर्ण या शाखा, इन्हीं किसी पार्ट की बात कर रहा हूँ। और प्रवर्धन की बात आती है तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं अपन कि किसी कायिक भाग का अगर कोई छोटा टुकड़ा तो उसे अपन कहते हैं प्रवध। प्रोप्यूल क्या कहलाता है, जड़ का, तने का हो सकता है, पर्ण का हो सकता है, शाखा का हो सकता है, या किसी पत्र प्रकलिका का हो सकता है। बुलबिस पढ़ा था हमने, आपको याद होगा, उसका छोटा जो टुकड़ा होता है वो पर्वत कहलाता है। और उस पर्वत के द्वारा अगर कोई नया प्लांट फॉर्मेशन किया जाता है तो उसे अपन प्रवर्धन कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि कायिक भाग की बात करूं तो जड़, तना, पर्ण और शाखाओं से लेकर है, और प्रवर्धन का मतलब होता है कि किसी छोटे टुकड़े के, कायिक के छोटे टुकड़े से अगर कोई प्लांट बनाया जा रहा है या फिर प्लांट को ग्रो करवाया जा रहा है तो वो क्या कहलाता है, प्रवर्धन कहलाता है। ये दो मेजर पार्ट होते हैं। अपन नेक्स्ट क्लास में अनिषेक बीजता की बात करेंगे और इसको बहुत डिटेल से लेते हुए फिर अपन वेगेटेटिव प्रोपेगेशन के लिए बात करेंगे, और ये जो अपना रहेगा वो अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।